जीवित लोगों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ, समाज और लोगों के बीच तुम्हारा स्थान है। समाज? क्या जानते हो तुम समाज के बारे में? तुम स्वयं एकांत में रहने वाले हो, पीड़ा और अपमान के बारे में तुम जानते ही क्या हो। शायद उतना नहीं जितना तुम जानते हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत दुख सहे हैं, मगर इसका हल ये नहीं है कि तुम लोगों के जीवन में दुख पैदा करो और अपने लिए नरक का मार्ग तैयार करो। सोचो, किसी आदमी की हत्या करने के बाद क्या तुम्हारे मन में यह इच्छा नहीं हुई कि तुम उसके शव के सामने खड़े होकर रो? और कितनी ही बार इस जंगल के भयानक एकांत में तुमने अपने आंसुओं को नहीं रोक लिया है? और अभी वो कैसे बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा है? उसे बाहर आने दो अंगुली, उसे रोको मत, आंसुओं को बहने दो, उसे मत रोको। मेरी दबी हुई स्मृतियों, आंसुओं और पीड़ाओं को मुक्त करने वाले तुम कौन हो? क्या अधिकार है तुम्हें? वर्षों से मैंने अपने चारों ओर घृणा की दीवार बनाकर रखी थी, अपने भय बंद करके छिपा के रखे थे। तुम पास आए और अपने कुछ शब्दों और एक स्पर्श से ही उस दीवार को तोड़ दिया। मैं अपने जीवन को बचाने के लिए ही संसार से भाग आया था, किंतु तुमने उसे नष्ट कर दिया। कैसे जीवित रहूंगा अब मैं? कहां जाऊं अब मैं? मेरे रास्ते में आने वाले अभियोगी, तू है कौन? बोल, कौन है तू? मैं गौतम बुद्ध हूं, मेरी शरण में आओ, वहीं तुम्हारा उद्धार है। आप हैं भगवान? मेरी रक्षा आप कहीं नहीं हो सकती। मैंने इतने पाप किए हैं जितने कोई दो जीवन में भी नहीं कर सकता। डाकू के रूप में तुम्हारा जीवन अब समाप्त हो चुका है। मैं तुम्हें अपने आदेश से भिक्कु नियुक्त करता हूं। यह एक नया जीवन है, नए सिरे से सब कुछ आरंभ करने का अवसर है तुम्हारे पास। नहीं, मैं पहचान लिया जाऊंगा, लोग मुझे पत्थर मारेंगे, मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। इससे भी बुरा हो सकता है, तुमने जो हत्याएं की हैं ये उन्हीं का फल है। सभी पीड़ाओं के कारण तुम ही हो। तुमने जो कर्म किए हैं उसका फल तो तुम्हें भोगना ही होगा। जब तक जीवन चलता रहता है कर्मों के फल भी मिलते रहते हैं। क्या तुम्हारे भीतर उन्हें स्वीकार करने का साहस है? हाँ भगवान, जिस नरक में मैं जी रहा था उससे तो कोई भी स्थिति अच्छी हो सकती है। तो फिर आओ अंगुलीमाल, फिर से मनुष्यों के संसार में लौट चलो। महाभक्त अंकुश से हाथी पर नियंत्रण पाता है, किंतु भगवान बुद्ध दया से और मुल्कों की तरह हिंदुस्तान में भी ख्याल और अमल के दो धारे हम साथ साथ बहते पाते हैं। जिंदगी को स्वीकारना और उसे त्यागना, कभी एक नजरिए का पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरे का। मुझे लगता है हिंदुस्तानी तहजीब ने कभी मुकम्मल तौर से जिंदगी को नकारने के फलसफे को नहीं अपनाया, हालांकि उसके कुछ विद्वानों ने जरूर ऐसा किया। क्या बौद्ध धर्म निराशावादी और उदासीन था?
जब मैं महात्मा बुद्ध के बारे में सोचता हूं मुझमें ऐसी कोई भावना नहीं उभरती। मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई निराशावादी और उदासीन धर्म इस कदर करोड़ों लोगों पर गहरा असर कर सकता है। महात्मा बुद्ध की यह मूर्ति जिसे अनगिनत मुरीदों ने मुख्तलिफ पहलुओं से पेश किया है हिंदुस्तानी फलसफे की आत्मा सी लगती है। महात्मा बुद्ध कितने शांत नजर आते हैं, भाव शून्य, क्रोध और अभिलाषा से मुक्त। मगर फिर से गौर करके देखें तो इस स्थिर अचल चेहरे में छिपे जज्बात और संवेदना दिखने लगते हैं जो हमारी संवेदनाओं और जज्बातों से ऊंचे और अजीम हैं, और उनकी आवाज हमारे कानों में गुनगुनाने लगती है कि संघर्ष से मुंह न मोड़ो बल्कि शांत भाव से उसका सामना करो और जीवन में विकास और तरक्की की राहें खोजते रहो। मत करो विश्वास, मत करो विश्वास केवल इसलिए क्योंकि वो तुमको बताया है या कि वो परंपरा से पास आया है या कि उसको स्वयं तुमने सोचकर अपना लिया है। मत करो विश्वास उसका जो कहा गुरु ने तुम्हारे, क्योंकि श्रद्धा है तुम्हारे हृदय में गुरु के लिए। तुम परीक्षण करो, स्वयं ही उचित विश्लेषण करो, और जब पाओ कि कोई एक विचार सबके लाभ का है, बहुजन की भलाई का, कल्याण का, सब प्राणियों के, तुम करो विश्वास उसका और जुड़कर रहो उससे। वही केवल एक होगा पथ प्रदर्शक, क्योंकि वो विश्वास होगा स्वनिर्मित, इसलिए होगा सुनिश्चित। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम।